लो, हम फिर आ गए आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कराने के लिए। कल आपको हमने लेसन 10 के दो क्वेश्चन आंसर कराए थे, लॉन्ग वाले दो या तीन है ना, दो कराए थे, और आज आपको ये बचे हुए दो कराएंगे। देखो बच्चों, बाकी हम सब करा चुके हैं, सिलेबस वगैरह खुद हमने कराए हैं, इसीलिए आप अभी ध्यान से करना। दूसरी बात मुझको ये कहनी थी कि हमने आपसे आपकी कॉपी मंगाई थी जो आपको वर्क किया जाता है, तो आज हम वेट करेंगे कि कॉपी लेकर आप आए, जिससे कि हम करेक्शन करके आपको वापस कर सके, ठीक है। तो कॉपी ले आइएगा, करेक्शन किया जाएगा कि आपने कितना होमवर्क किया है, ठीक है। चलिए अब हम लॉन्ग आंसर जो है उनकी बात करते हैं। कल आपको दो कराए थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और प्लानिंग कमीशन के बारे में। अब थर्ड क्वेश्चन है, इसको पढ़िए, पहले ओपन करिए, खाली नहीं बैठना आपको, बुक ओपन करिए और ये थर्ड क्वेश्चन पढ़िए मेरे साथ, मैं पढ़ूंगी और आप भी ध्यान दीजिए। व्हाई डिड द फाउंडर ऑफ द नेशन वांट अ सेक्युलर कंट्री? फाउंडर्स ऑफ नेशंस, जो स्वतंत्रता के बाद जिन्होंने देश में जो नेता रहे हैं, वो क्यों चाहते थे कि भारत एक सेक्युलर कंट्री बने, जबकि यहाँ जो डिवीजन हुआ था, उनका कहना था कि जब पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री, कुछ लोगों का नेताओं का नहीं, कि जब पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री डिक्लेयर हुआ है तो इंडिया भी हिंदू कंट्री डिक्लेयर होना चाहिए, लेकिन लीडर्स ये नहीं मानते थे। क्यों नहीं मानते थे, ये रीजन हम आपको अभी बताएंगे। पहले आप हाफ क्वेश्चन पढ़िए। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बीइंग अ सेक्युलर? सेक्युलर होने के क्या फायदे, सेक्युलर कंट्री होने के फायदे? शायद जब देश बना होगा तब तो सोचा होगा नेताओं ने, लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि जो सेक्युलर कंट्री है उसमें बाद में कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी, है ना, वहां पर दंगे होंगे धन के आधार पर, और दंगे भी एक खास वर्ग करेगा, जैसे शाहीन बाग में दंगे हुए, ठीक है, बैठे रहे नहीं उठे, कोरोना को बढ़ाने के लिए कभी थूक लगा रहे हैं, कभी टॉयलेट पॉलिथीन में भर करके हॉस्पिटल्स में फेंक रहे हैं, कहना नहीं मान रहे हैं गवर्नमेंट का, एक साथ धर्म के स्थानों पर जा रहे हैं, ठीक है, बाद में डंडे मार मार के निकाला जा रहा है। तो शायद नेताओं ने यह नहीं सोचा होगा कि सेक्युलर के नाम पर, सेक्युलर माने होता है हर धर्म को मानने वाले, हर धर्म को मानने वाले लोग, ठीक है, लेकिन क्या हर धर्म को मानने वाले लोगों में एक चीज देखो, आप अपने धर्म को मानो, मना नहीं करते, लेकिन दूसरे के धर्म का सम्मान करो, ये होती है सेक्युलरिटी, जिसको हम लोग भूल गए। आजकल डेफिनेशन बदल गई है, परिभाषा बदल गई है, ध्यान दो जो हम कह रहे हैं आपसे। सेक्युलर का मतलब होता है अपने धर्म का सम्मान करो, अपने धर्म पर अडिग रहो, लेकिन दूसरे के धर्म का भी सम्मान करो। आप लोग पूछिएगा अपने घर में अभी बेंगलुरु में क्या हुआ, और उसके पहले हमने आपको बताया था कि जो हमारे देवी देवता हिंदू धर्म के, उनके कैसे कैसे चित्र बनाए जाते हैं, लेकिन छोटी सी बात पर दूसरा धर्म है वो तोड़फोड़ शुरू कर देता है। ये बातें सामने है इसलिए हम आपको बता रहे हैं, ये हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं, ये मीडिया में आई हुई बातें हैं, सबके सामने जग जाहिर है, लेकिन कहने से डरते हैं लोग, क्योंकि क्यों डरते मुझे नहीं पता, लेकिन यदि ऐसा है तो इस चीज को कंडेम करना चाहिए, तभी तो दूसरे लोग समझेंगे, वो तो ये सोचते हैं कि ये कर लो और फिर हमारी वाह वाह होगी, क्या करोगे, अरेस्ट कर लोगे और उसके बाद में हम छूट जाएंगे, आपको एविडेंस ही नहीं मिलेगा। तो सेक्युलर का मतलब होता है अपने
अपने धर्म पर अडिग रहो लेकिन दूसरे के धर्म का सम्मान करो। देखो बच्चों, हमारे यहाँ होली होती है जो अच्छे लोगों के बता रहे हैं, हर कोई ऐसा नहीं होता। होली पे जो मुस्लिम है हिंदुओं के गले मिलते, हाँ वो धर्म नहीं डलवाते अपने ऊपर, कोई बात नहीं, वो अपने धर्म का सम्मान कर। ईद पर हम लोग बधाई देते हैं, ईद मुबारक कहते हैं, गले मिलते हैं, तो जनता तो चाहती है शांति से रहना, शायद इसीलिए ये सेक्युलर बना। अब देखो बच्चों, इससे हम आपको फर्स्ट पार्ट का पहले दिखाएंगे आंसर कि जो नेता थे वो क्यों चाहते थे कि इंडिया जो है वो सेक्युलर कंट्री बने। इंडियन फाउंडर wanted India. So listen now, Indian founder wanted India to be a secular country. To be a secular country because our country secular होने के क्या advantages हैं?
है, अगर हम सेकुलर हैं तो कंफ्लिक्ट नहीं होता आपस में। ये थर्ड पॉइंट है, बी का थर्ड पॉइंट है, आप पार्ट का ऊपर लिखती हूँ, इसको रख कर दू इंडियन फॉर्मर्स को लिखी है आप लोगों ने, जल्दी लिख लीजिए इंडियन फाउंडर्स वांटेड इंडिया टू बी अ सेक्युलर कंट्री बिकॉज अवर कंट्री इज अ फॉलोअर ऑफ मेनी रिलीजन। नंबर टू, रिलीजन इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल लाइफ, it should be respected as a matter of personal faith। कई लोग होते हैं अपना धर्म परिवर्तन भी कर लेते हैं तो इसकी भी छूट होती है, अपनी इच्छा से अगर धर्म परिवर्तन कर ले तो लोग जो है उसमें कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करते। कुछ लोग पैसे के लालच में कर लेते हैं, कुछ नौकरी के लालच में कर लेते हैं, लेकिन धर्म परिवर्तन करते हैं बहुत से। तो ये सेकंड पॉइंट हुआ आपका, अब बच्चों थर्ड पॉइंट है इसका, ये हम रख करते हैं। देखो आपने देखा भाषा के आधार पर भारत के टुकड़े हुए, ठीक है, उधर रहने वाले को उन्होंने भी सेट कर दिया साउथ इंडिया की भाषाओं में, आंध्र ने, तमिल ने, आपको मैंने कहानी सुनाई थी, कहानी नहीं सच बताया था उधर, जिन्होंने कहा कि हम अगर हमारे हमारी भाषा के अनुसार हमको अलग नहीं करोगे तो हम इंडिया से अलग हो जाएंगे, इतने बदतमीज थे, ऐसा ट्रेड किया। तो अगर रिलीजन भी जबरदस्ती सेकुलर हम बना देते तो शायद कह रही हूँ क्योंकि उस समय तो ये भावना थी कि हमको स्वतंत्र होना है, तो शायद यहाँ भी कंफ्लिक्ट होते। देखो सेकुलर कंट्रीज में भी हो रहे हैं कंफ्लिक्ट, झगड़े हो रहे हैं धर्म के आधार पर, तो शायद तब भी रहे होते, लेकिन कम से कम एक बार फिर देश का बंटवारा तो नहीं होता अगर धर्म के आधार पर है। तो इसमें क्या है, पॉलिटिकल इक्वलिटी वुड नॉट लीड टू सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। इससे क्या होता है, अगर सेकुलर कंट्री है तो इक्वलिटी इन पीपल रिमेन लिखिए।
begin. Next question. Explain what a linguistic state. Linguistic state क्या होती है? Explain करो. ये बता दूँ आपको. ये रख कर दूँ. आंसर फोर लिंग्विस्टिक स्टेट क्या होती है? आंसर फोर इसका फर्स्ट पॉइंट लैंग्वेज इज एन इंपॉर्टेंट decided to be a regional language. Hindi decided to be a regional language. Thank you.
तो लिख लीजिए और अब आपके लेसन 10 के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए, ठीक है। किसी और लेसन की अगर बाकी है तो अभी हम देख लेते हैं, वो भी आपको कल लिखवा देंगे। लेकिन जैसा कि हमने कहा है, आप अपनी नोट कॉपी आज जमा करवाइए। मैं इसको बार बार याद दिला रही हूँ क्योंकि चेक करने में टाइम लगेगा, सब कुछ चेक करना पड़ेगा। और मैप आपको बनाने को दिया था, मुझे नहीं पता, मैप जरूर देखेंगे मैप, ठीक है, ये दिया था। और अब आपको ये वाला मैप बनाना है, पेज 87। अगर ये बना चुके तो अच्छी बात है, लेकिन आज आपको ये मैप बनाना है, ठीक है। इतना वर्क करके और आप अपनी कॉपी फॉरन जमा करिए, नहीं तो बहुत गड़बड़ होगा, फिर समझ लीजिए आप, ठीक है। तो इसको आप करिए। आज के लिए इतना ही, बाकी कल बताऊंगी, ठीक है। काम जल्दी से काम कर लीजिए। ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, कल फिर मिलेंगे। बाय, गॉड ब्लेस यू बेटा।